अलरने लगे, आपस में उंगलियां लड़ने लगी। बहनों क्यों इतराती हो, बहनों क्यों इतराती हो, आपस में उंगलियां लड़ने लगे, आपस में उंगलियां लड़ने लगी। बहनों क्यों इतराती हो, बहनों क्यों इतराती हो। गौनाहा के कस्तूरबा कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय में हुआ समर कैंप का आयोजन। शुक्रवार को कस्तूरबा कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षा विभाग व प्रथम संस्था के तत्वावधान में अक्षर अंचल कार्यक्रम के तहत समर कैंप का आयोजन किया गया। कैंप का उद्घाटन भितियरवा पंचायत के मुखिया मुन्नी देवी व प्रथम के सदस्यों द्वारा किया गया। वहीं मौके पर मुखिया मुन्नी देवी ने बताया कि कोरोना काल की वजह से स्कूल बंद होने के कारण बच्चों की पढ़ाई काफ़ी प्रभावित हुई है। अब ग्रीष्मकालीन छुट्टी हो गई है, ऐसे में प्रथम संस्था के द्वारा यह कार्यक्रम आयोजन से शिक्षा में सुधार लाएगा। वहीं प्रथम संस्था के जिला समन्वयक नरेश कुमार ने बताया कि गौनाहा प्रखंड के 70 गांव में समर कैंप का आयोजन किया गया है। इसमें 4, 5 व 6 कक्षा के बच्चे जिन्हें अनुच्छेद पढ़ने नहीं आता है, इस कैंप से प्रशिक्षण के बाद वैसे बच्चों को प्रशिक्षित बच्चों के द्वारा शिक्षित किया जाएगा। वहीं प्रथम संस्था के सुमित पांडे ने बताया कि इसमें कक्षा 9, 10, 11 व 12 के छात्र छात्राओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे खेल खेल के माध्यम से आनंदमयी तरीके से बच्चों को शिक्षित कर सकें, बुनियादी शिक्षा को मजबूत कर सकें। लॉकडाउन के वो चलते वो एक क्लास पीछे ही छोड़ के आगे बढ़ गए, तो एक क्लास का वो मेकअप कैसे करें, उसके लिए ये कमाल का कैंप आयोजित हुआ है। तो उससे हम लोग का भी पीछे का जो छूटा हुआ है वो मेकअप हो जाएगा, और उससे जो बच्चों को पढ़ाया जाए शब्द, उसके बाद अक्षर, उसके बाद अनुच्छेद, उसके बाद वाक्य कैसे पढ़ना है, कहानी कैसे पढ़ना है। सरुपता जमाल है और मैं क्लास 10 की छात्रा हूँ। कस्तूरबा गर्ल्स हायर सेकेंडरी के स्कूल में आज हमारे दो शिक्षक आए थे, जिन्होंने हमें समर कैंप के बारे में बताया, जिसमें हमें छोटे बच्चों को पढ़ाना है, 4, 5, 6 क्लास के बच्चों को, जो कोरोना काल की वजह से बच्चों का नुकसान पढ़ाई का हुआ है उसे भरपूर करने के लिए। और हमें वो प्रशिक्षण दिए हैं कि हमें बच्चों को कैसे पढ़ाना है, कैसे करना है, क्योंकि उन्हें 2 साल की वजह से वो लोग पिछले क्लास में थे और दो क्लास आगे हो चुके हैं, जिनकी वजह से उनको पढ़ना नहीं आ रहा है। उसी को हम लोगों को भरपूर करना, उन लोगों को सब कुछ बताना है कि कैसे पढ़ा जाए, उनको कहानी, अनुच्छेद, शब्द सब कुछ पढ़ाना है कि वो अच्छे से पढ़ सके। और ये काम उन्होंने हम लोगों पर सौंपा है और हमें भरोसा है कि हम ये काम करेंगे।